हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल कल यानी कि 27 जुलाई 2023 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। तो गाइस, आपने जो 26 जुलाई को जो ट्रेड दिया था, LIC दिया था, जिल दिया था, HDBL दिया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि अपने किसी में कॉल एक्टिव नहीं हुआ था। जैसे कि LIC स्टॉक हालांकि अच्छा था, लेकिन अपने बाय ऑन डिप बोला था, लेकिन वो स्टॉक गया नहीं था। तो उसका कुछ अपडेट नहीं है। कल का वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कोई भी अपना कॉल एक्टिव नहीं हुआ था। तो अभी गाइस, जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की आपको थोड़ी झलक दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता हूँ कि प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में आपको सिर्फ ट्रेड नहीं मिलते, उसके साथ साथ अपने ट्रेड को कैसे मॉडिफाई करके टारगेट को और बढ़ाते हैं। क्योंकि अपना मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होता है प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का 1:2 होता है, लेकिन अपने उसको ट्रेल कराते 1:3 1:4 भी लेके जाते हैं। जैसे कि ये मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ अभी पुराना ट्रेड के, अभी क्योंकि रिसेंटली में ओपन ट्रेड है तो वो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन पुराना जैसे कि आपको 13 जुलाई के यहाँ पे ट्रेड दिख रहे हैं, एक नावा था 312 वाला, 324 वो टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद आप देखोगे तो अपोलो पाइप भी तब दिया था 13 जुलाई को, 716 वाला 754 का टारगेट था, वो क्लियर कट टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद मैंने ट्रेल स्टॉप लॉस भी कराया था, तो वो ट्रेल स्टॉप लॉस हालांकि अभी नीचे चल रहा है, लेकिन इसमें आपको मिनिमम 1:2 तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी आप ट्रेल करते जाते हो तो आपको इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो मेन फोकस वही होना चाहिए गाइस आपको, जैसे कि एक डेनोरा दिया था, पोजिशनल ट्रेड था 1600 वाला, 1978 आया था, तब बोला था कि प्लीज मॉडिफाई टारगेट 2200 का, पहले टारगेट था 2000 का, तो वो स्टॉक का 2200 का भी टारगेट अचीव हो गया। एक महीने में स्टॉक ने 37% का रिटर्न दिया था। तो ऐसे अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक मिलेंगे, यानी कि एक महीने में 30-30% रिटर्न देने वाले स्टॉक आपने सोचे भी नहीं होंगे, ऐसे स्टॉक मिलेंगे। जैसे कि 13 जुलाई का, जैसे आपको बोला ही था, JWL दिया था 180 पे दिया था, 204 का टारगेट का, अभी मैं उसको चार्ट पे बता रहा हूँ, 168 का स्टॉप लॉस था, तो क्लियर कट 12 रुपीज का आपका रिस्क था इसमें, तो आपको कितना 24 रुपीज आना चाहिए। तो इसमें 208 का टारगेट था अपना, मैं आपको बताऊंगा, इसमें सॉरी 12 रुपीज यानी कि 180 पे, यानी कि 24 रुपये, 204 का टारगेट था इसमें, 1:2 आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। लेकिन उसके बाद JWL को अपने 204 से, मैंने आपको पहले भी 2 दिन पहले वीडियो में भी बोला था कि इसको क्या किया था, मॉडिफाई करके 214 भी कराया था, और वो स्टॉक आज 230 पे चल रहा है। तो अब फिर उसके बाद देखो मुंजाल शो 125 वाला 152 चल रहा था। तो ये सब आपको यहाँ पे मल्टी बैगर स्टॉक मिलते रहेंगे। तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल आपको नॉमिनल चार्ज में आपका एक ही दिन में कवर हो जाएंगे पैसे, एक दिन में नहीं, नॉर्मली आराम से सब अच्छे से 4 से 5% का रिटर्न अच्छे से जनरेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे कैल्टन टेक देखो 73 था, 83 13% अप हो गया था। तो ये आपको यहाँ पे ट्रेडिंग फॉलोअप, मेन ट्रेड लेने के बाद ट्रेडिंग फॉलोअप भी बहुत जरूरी है, तो अभी मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि ट्रेडिंग फॉलोअप क्यों जरूरी है। तो देखो यहाँ पे मैंने JWL का 2 घंटे के कैंडल के ऊपर मैंने ओपन करके रखा है, आपको क्लियर कट अगर आप यहाँ पे जाओगे तो भी आपको सेम पैटर्न दिख रहा था। JWL में आप देखोगे तो सेम पैटर्न के हिसाब से ही मैंने दिया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है वही सेम पैटर्न है, 2 घंटे के कैंडल के ऊपर यहाँ पे एनालिसिस किया था। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल आपको जो यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, देखो 13 जुलाई का ही कर्सर है, और यहाँ पे मैंने रेकमेंड किया था करीब, वो उसका प्राइस था 180 के आसपास था। तो यहाँ पे आप नॉर्मली क्या करते हैं, अपने जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मैंने 180 पे स्टॉक को दिया है, समझो यहाँ पे करीब दिया है स्टॉक को 180 के आसपास, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले तो लेंगे। देखो ट्रेड लेना तो बहुत इजी है, लेकिन ट्रेड को फिर टारगेट तक लेके जाना, उसके बाद अगर कोई आपको मेंटर है आपको बताए कि इसको मॉडिफाई करना है, ट्रेड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे विनिंग ट्रेड में मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर पाते हो। तो यहाँ से देखो स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया, तो आधे तो लोग यहाँ पे डर के भी निकल जाते हैं, आपको रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। उसके बाद देखो स्टॉक ऊपर गया और यहाँ पे उसका 204 का टारगेट अचीव हो गया था, लेकिन मैंने उस वहां क्लियर कट बोला था कि अपने को 214 का टारगेट भी लेना है, और उसके ऊपर भी देखोगे तो 230 का भी टारगेट अचीव हो गया है, यानी कि यहाँ पे मैंने दिया नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग ने ओपन भी रखा था, उनको पता है कि अपने स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं, तो बहुत सारे लोग 214 पे नहीं निकले, बहुत 230 पे भी निकले, बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए, तो ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 180 वाला स्टॉक आपको 12 दिन में 230 पे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने होल्ड करके रखा है डिसिप्लिन के साथ होल्ड करके, और मेन होता है स्टॉक सिलेक्शन, जो अपने प्रीमियम मेंबर्स में बताते हैं स्टॉक सिलेक्शन मेन होता है, अगर स्टॉक सिलेक्शन आपका अच्छा होगा तो इंडेक्स के कंपेयर में बहुत अच्छे से जनरेट रिटर्न कर पाते हो आप।
तो आप देख सकते हो कि आपको 12 रुपीज के रिस्क में यहाँ पे आपको 50 रुपीज का गेन मिला। तो अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो रिस्क रिवॉर्ड कितना है। अगर आपके 10 में से ऐसे 3-4 ट्रेड भी आ गए तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर 30-40% भी रहेगा तो भी आप मार्केट में आराम से पैसे कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सब सीखने की जरूरत है। तो अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल वो भी नॉमिनल चार्ज में अगर ज्वाइन करना है तो आपको डिटेल मिल जाएगी, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप पिन मैसेज में करोगे तो आपको अपने जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी अपने चलेंगे, 4 स्टॉक बताऊंगा जो आपको कल बाय करने। पहले स्टॉक का नाम रहेगा जो आप 27 तारीख को बाय कर सकते हो, स्टॉक का नाम रहेगा मास्टेक। मास्टेक को बाय करना है, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम रहेगा मास्टेक। तो बाय क्यों करना है, तो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट डन है, यहाँ पे क्लियर कट क्या दिख रहा है, स्टॉक का ऊपर से नीचे गया और यहाँ पे आपने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप इसको रिटेस्ट कैंडल बोल सकते हो, रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर आपका बाय बनता है, आपका लो हो जाएगा। तो अभी 2129 के आसपास है, तो आपको इस स्टॉक को बाय करना है, बहुत बढ़िया स्टॉक है 2150। अपने मल्टीपल अगर मैं ऑलरेडी स्टॉक को 1900 के आसपास रेकमेंड किया हुआ ही है, 2155 के ऊपर बाय करना है, 2065 का स्टॉप लॉस है, यानी कि आपका 90 रुपीज का रिस्क रहेगा, 2300 का टारगेट 1 से 7 दिन में अचीव हो सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया है, तो आप इसको बाय कर सकते हो, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ बाय करना पड़ेगा। 1 से 7 दिन बोला, कभी कभी 1 से 10 दिन भी लग जाता है, लेकिन आपको वो टारगेट अचीव हो जाएगा। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है SDBL। SDBL को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। 2 घंटे की कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम रहेगा SDBL। बाय करने का रीजन क्या है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और ब्रेकआउट दिया, यानी कि आप इसको सप्लाई जोन बोलोगे। तो आपने एक कल स्टॉक दिया था लेकिन अपना जो लेवल था उसके ऊपर गया ही नहीं था, अपना कौन सा लेवल था, ए वाला, उसके ऊपर गया नहीं, वो स्टॉक में बैक टू बैक गिरावट आ गई। तो अभी भी बाय कर सकते हो क्योंकि आज देखोगे तो डिमांड जोन के अंदर ही क्लोज दिया है, यानी कि यहाँ से स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन बहुत हाई चांस है कि डिमांड जोन है तो यहाँ से रिवर्सल मारेगा। तो अपने रिवर्सल मारेगा तो अपने बाय करेंगे और अपने को पता चल जाएगा कि स्टॉक के ये सेटअप को फॉलो कर रहा है, डिमांड जोन से रिवर्स कर रहा है, यानी कि बहुत हाई चांस है कि स्टॉक के यहाँ से ऊपर जाए और आपको लो रिस्क में अच्छा ट्रेड मिल जाए। ये स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए। अभी 313 है तो आपको 320 के ऊपर बाय करना है, 310 का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ये पिछले 15 मिनट की कैंडल है तो इसको अपने काउंट नहीं करेंगे, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे और जो मैक्सिमम लो मारा वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 310 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, 340 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉक का नाम है SDBL, आपको बाय करना है लेकिन कंडीशनल बाइंग करना है। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है CII इंडिया, यानी कि CII इंडिया, यानी कि आपको इसको बाय करना है, उसके पीछे का भी हमने लॉजिक देख लेते हैं, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम है CII इंडिया। बाय करने का रीजन कौन सा है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, फाइनली ब्रेकआउट देखे ऊपर गया, आप इसको ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे तो आपका जो सप्लाई जोन है यहाँ पे डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टॉक ने वाई पे देखोगे तो 2 दिन से सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से बाउंस बैक आने के 80% चांस है। नीचे से देखोगे तो ट्रेंड लाइन का एक बार और दूसरी बार, जब भी 2 बार के बाद 3री बार सपोर्ट आता है तो वो आपको लिख के रखना है कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, यहाँ से स्टॉक इतना इजीली गिरेगा नहीं। तो यहाँ से रिवर्सल आने के 90% चांस है, तो स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 2 लेवल में देता हूँ, ये बाइंग लेवल है और स्टॉप लॉस का लेवल है। स्टॉक दोनों के बीच में ओपन होना चाहिए, पहले ऊपर का ब्रेक करना चाहिए, अगर स्टॉक कल या परसों नीचे का पहले ब्रेक करेगा तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, उसके बाद ये वैलिड लेवल नहीं रहेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी CMP 477 के आसपास है तो 493 के ऊपर बाय करना है, 473 का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि 20 रुपीज के स्टॉप लॉस रहेगा 430 का, यानी कि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, 430 नहीं है, आपको यहाँ पे टारगेट रहेगा वो 530 का रहेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। और इसमें भी 1 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन 530 के टारगेट आराम से स्टॉक दिखा सकता है। तो ये स्टॉक को आपको बाय करना है लेकिन 493 के ऊपर बाय करना है। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जो आपको बाय करना है, स्टॉक का नाम रहेगा टाइटन। टाइटन को बाय करना है, उसके पीछे का आपने लॉजिक देख लेते तो आपको यहाँ पे क्लियर कट क्या दिख रहा है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। जैसा कि CIA इंडिया में था ऐसा ही डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक का नाम है टाइटन। बाय करने का रीजन क्या है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक रिजेक्शन ले रहा था, ब्रेकआउट देके ऊपर गया, ये उसका सप्लाई जोन यहाँ पे डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आप बार बार देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ से ही रिवर्स मारा, बेस बना के रिवर्स मारा और आपका रिवर्सल ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुका है, क्योंकि
ये रिटेल स्कैंडल के हाई के ऊपर भी गया था, तो स्टॉक का भी आपका ये फाइनल स्टॉप लॉस तो यही रहने वाला है। अभी आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, अगर आपको लो रिस्क में बाय करना है तो नीचे भी बाय कर सकते हो। जैसे कि गाइज आपको पता है, आपने 4-5 दिन पहले एक स्टॉक दिया था, एनटीपीसी क्लियर कट बोला था कि 15 दिन में स्टॉक आराम से 210 जाएगा, तो 186 वाला स्टॉक आज 202 तो ट्रेड कर ही रहा है। तो गाइज आपको वीडियो देखना है तो पूरा ध्यान से देखना है, केयरफुली देखना है, और जो लेवल बता रहा हूँ उस पर फोकस रखना है टाइम पीरियड के साथ, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद अपने इसको आपको अभी बाय कर सकते हो। टाटा पावर भी आपको पता है कि अपने संडे के जो स्विंग ट्रेड में दिया था टाटा पावर, उसमें भी क्लियर कट बोला था कि 212 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी आप बाय कर सकते हो कोई भी लेवल पे, 217-16, तो वहां से स्टॉक फिर से रिवर्स मारा था। तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है, और जो लेवल बता रहा हूँ लेवल पे सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना है, स्टॉप लॉस लेवल पे। अपने स्टॉप लॉस लेवल स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके बाद आपको आई पे भी ये रेंज में बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लेवल के हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो अभी 3,800 तो कल ओपन प्राइस पे ही बाय कर सकते हो, 2950 का स्टॉप लॉस लगा के 3110 के लेवल स्टॉक दिखा सकता है, 1 से 3 दिन में ये लेवल आ सकते हैं, तो यहाँ से बाउंस बैक आने के बहुत हाई चांस है, तो ये स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए, ये स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए। तो गाइज अभी मैं आपको चार स्टॉक बता दिए, चारों स्टॉक बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉप लॉस के बिना आपको काम नहीं करना है। स्टॉप लॉस भले आपका बैक टू बैक हो जाए, अगर आपका पोजीशन साइजिंग सही होगा तो आप आराम से, रिस्क मैनेजमेंट सही होगा तो मार्केट से पैसे कमा सकते हो। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।